दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत अच्छी ट्रिक। वो ट्रिक क्या है कि आप अपने जो पर्सनल फोटो, शादी की एल्बम या बच्चों के जो फोटो हैं, उनके बचपन की, बर्थ की, बर्थडे की फोटो है, किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी पर्सन का सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो उसकी मैरिज की, बच्चों की फोटोज। तो वो फोटोज हम कभी पेन ड्राइव में रखते हैं, फोन में रखते हैं, लेकिन वो फोटो कभी ना कभी हमसे डिलीट हो जाती हैं। तो एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना पेन ड्राइव, बिना मोबाइल के फोटो को लाइफ टाइम के लिए, जी हाँ लाइफ टाइम के लिए आप फोटो को सेव कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। गूगल पे ही फोटो कैसे सेव रहेंगी, हमेशा पर्सनल डाटा आपका सेव रहेगा, बिल्कुल भी लीकेज इसमें बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपकी अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपकी ईमेल आईडी से आपके फोटो भी कई बार डिलीट हो जाते हैं, लेकिन इस ऑप्शन से, जिस ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, आपके फोटोज कभी डिलीट नहीं होंगे। सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है। यहाँ पे क्रोम को ओपन करने के बाद आपने अपनी ईमेल आईडी से क्रोम पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपको ये वाले 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहेंगे। देखिए, ये कॉर्नर पे मैं दिखा देता हूँ, जहाँ जीमेल इमेजेस के साथ वाले ये 9 डॉट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये फोटो का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ फोटोज के ऊपर आपने क्लिक करना है। फोटोज के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे आप फोटो, एल्बम और कोई दूसरा डाटा, और उस डाटा को शेयर भी कर सकते हैं। तो शेयर करने की जरूरत नहीं है, आपने अपने पर्सनल फाइलें सेव करनी है। तो उस डाटा को कैसे सेव करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, आपके लिए सारे ऑप्शन बने हुए हैं। आपने कोई डिलीट किया है तो वो भी आपको लाइफ टाइम के लिए गूगल पर मिल जाएगा। सिर्फ आपको अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन होना है। तो यहाँ से ये सेटिंग के ऑप्शन है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। 15 GB डाटा आप स्टोर कर सकते हैं अपना ऑनलाइन गूगल फोटोज के ऊपर। गूगल फोटोज पे डाटा सेव करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट प्लस के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप एल्बम सेव करना चाहते हैं, कोई मूवी है, एनिमेशन है या कोलार जो है फोटो का, वो करना चाहते हैं तो यहाँ एल्बम के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इस एल्बम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको टाइटल दे देंगे, मैरिज फोटोज। ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी आपके फोटो आपकी पीसी पे पड़े हैं, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन को ओपन कर देगा। तो यहाँ से जहाँ भी आपके फोटो डॉक्यूमेंट आपने सेव किए हुए हैं, वो आप यहाँ से ओपन करके इस एल्बम को, मैरिज, हैप्पी बर्थडे फोटो हैं बच्चे के, तो वो सेव कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ से आप अपने परमानेंट उसको सेव कर दें। ये आपकी ईमेल आईडी पे ना हो करके ये आपके गूगल फोटोज का जो ऑप्शन है उसमें आपके लाइफ टाइम के लिए आपके ये फोटो सेव हो जाएंगे। डाटा मैंने बता दिया कितने GB तक आप स्टोर कर सकते हैं, उसमें आप मूवीज कर सकते हैं। तो ये आपको बिना पेन ड्राइव के जब चाहे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक एक फोटो करके भी इसको अपलोड कर सकते हैं, फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। तो गूगल इसको पूरी तरह से आपके लिए सेफ प्लेटफॉर्म पर सेफ रखेगा लाइफ टाइम के लिए। अब आपका चाहे फोन से डाटा डिलीट हो जाए या आपकी पेन ड्राइव करप्ट हो जाए, आपके फोटोज, आपका डाटा, पर्सनल डाटा हमेशा के लिए गूगल फोटोज में सेव रहेगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।